जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या आपके मेकअप एक्सपर्ट एंड एजुकेटर, मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपके 20 डेज मेकअप मास्टर कोर्स का डे 4। और आज की क्लास भी काफ़ी यूजफुल होने वाली है। क्लास को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सॉरी कहना चाहूंगी, वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई बिकॉज ऑफ थोड़ी सी बुकिंग्स एंड यू नो कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इस तरीके के एडवांस लेटेस्ट मेकअप के डिटेल कोर्स को सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर कमेंट। और अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस डे 1 डे 2 डे 3 क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में आपने डील क्लोज कर ली थी क्लाइंट कम्युनिकेशन के बाद, मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं एज रिस्पॉन्सिबल, तो आपका मेकअप डे आने वाला है। तो मेकअप डे में आपने सबसे पहले जो प्रिपरेशन करनी है वो आपने मेकअप सेक्शन को रेडी करना है। अगर आपका खुद का स्टूडियो है तो क्या क्या चीज़ें आपके स्टूडियो में होनी चाहिए जिससे आप अपने मेकअप को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेकअप सेक्शन में। ये मैं पहले आपको आपके स्टूडियो के लिए बताऊंगी, अगर आप अपना स्टूडियो प्लान करते हो अपने मेकअप सेक्शन को रेडी करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले आपने ध्यान देना है लाइटिंग का। तो जो भी आप मेकअप स्टूडियो बनाने वाले हो उसमें आपने प्रॉपर लाइटिंग रखनी है। लाइटिंग व्हाइट एंड येलो लाइट का बैलेंस होना चाहिए, जिसे हम नेचुरल लाइट कहते हैं। आपने बहुत ज़्यादा येलो लाइट का यूज़ भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा व्हाइट लाइट का भी यूज़ नहीं करना। इनकेस अगर बहुत ज़्यादा येलो लाइट का यूज़ करोगे तो जब आप मेकअप कर रहे होंगे तो फेस येलो येलो हो जाएगा और आप हो सकता है अपने मेकअप को कहीं व्हाइट साइड में ज़्यादा ना कर दो। सेम अगर व्हाइट लाइट में करोगे तो फेस व्हाइटिश लगेगा, तो हो सकता है आपका जो मेकअप है आप उसको नॉर्मल दिखाने के लिए येलो साइड में ज़्यादा कर दो। बेस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हमारी छोटी छोटी LED लाइट्स लगी हुई हैं। ये येलो और वार्म एंड कूल कलर आप बोलते हो, व्हाइट को हम कूल बोलते हैं और येलो को हम वार्म बोलते हैं, तो दोनों का हमने बैलेंस करा हुआ है अपने स्टूडियो के स्टेशन में भी। तो इस टाइप से आप भी अपने स्टूडियो में स्टेशन कर सकते हो। आप इसकी जगह बड़े बल्ब भी यूज कर सकते हो, एज योर लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा आपका टेम्परेचर आपका आपने ध्यान रखना है। सर्दियां हैं तो वार्मर आप यूज कर दो, गर्मियां हैं तो AC आप यूज कर दो। दोनों ही कंडीशन में जहां भी आपकी मेकअप चेयर है उसके डायरेक्ट फेस पे क्लाइंट के आपका AC या आपका जो वार्मर है वो आपने यूज नहीं करना है। बिकॉज सम टाइम क्या होता है, जैसे आप समर वेदर है, समर वेदर में डायरेक्ट आप AC के आगे मेकअप करो तो उस टाइम पे फेस पे हो सकता है AC की वजह से ड्राइनेस आ जाए और आपका मेकअप ड्राई होने लगे और कहीं ना कहीं आप हल्का उसमें मॉइस्चर कर दो। तो थोड़ा सा आपने स्मार्ट वर्क रखना है, अपने रूम टेम्परेचर पे कोशिश कीजिए मेकअप करने के। एंड अगर आपका AC के आगे बिठा के भी आप काम करो तो इसमें ध्यान में रखना है आपने कि वो मेकअप हल्का सा अगर ड्राई साइड में जा रहा है तो इट्स ओके, थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल बाहर जाएंगे तो मॉइस्चर की वजह से ओके हो जाएगा। तो आपका टेम्परेचर अपने वेदर के अकॉर्डिंग मेंटेन रखना है अपने सेक्शन का। फ्रेग्रेंस जो कि बहुत अच्छा पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, फ्रेग्रेंस आप कैरी कर सकते हो। हम इस तरीके का बर्नर यूज़ करते हैं, मेरे पास ये बर्नर है, मैं इस तरीके का अरोमा बर्नर्स यूज़ करती हूँ, आप भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट एक्चुअल में जब भी आपके पास आता है तो बहुत ज़्यादा अपने ओकेजन को अटेंड करके या ऑफिस से स्ट्रेस में आता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेकअप स्टेशन को हो सके तो पीसफुल बनाए। जितना ब्यूटीफुल के साथ साथ फ्रेग्रेंस पीसफुल रहेगा उतने क्लाइंट काम डाउन रहेगा, क्लाइंट के काम डाउन होने की वजह से आपके काम करने का जो वे है वो और इजी हो जाएगा। बेसिकली आप ये मेन क्लाइंट के लिए नहीं, खुद के लिए भी कर रहे हैं, सो दैट आपके काम क्लाइंट जितना रिलैक्स रहेगा आप उतना अच्छे से काम। तो आपने अच्छे से लाइटिंग का अरेंजमेंट कर लिया, देन आपने टेम्परेचर का ध्यान रखा क्लाइंट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग। नाउ आपने फ्रेग्रेंस का ध्यान रखा, कुछ अपने कैंडल्स यूज कर लिए, हमारी अरोमा कैंडल्स आती हैं वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने आपको बर्नर बताया आप वो यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने म्यूजिक का भी ध्यान रखना है, आपके सेक्शन में म्यूजिक का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। म्यूजिक आप चाहो तो चल रहे हैं वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज रिलैक्सेशन के लिए माइंड को कूल रखने के लिए काम रखने के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, रिलैक्सिंग फील कराता है एंड क्लाइंट मैंने अगेन बोला जितना रिलैक्स रहेगा उतना आपको प्यार से काम करने देगा। आपने एक VIP 5-स्टार ट्रीटमेंट अपने क्लाइंट को देना है और एज बिगिनर अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो रहेगी, कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वाइट रूम, मतलब जो भी आप रूम में ये सेटअप बना रहे हो कोशिश कीजिए उसमें नॉइस ना हो, वो क्वाइट हो, शांत रहो ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर सको। टेबल चेयर पहले था कंफर्टेबल, ऑब्वियसली टेबल होगा स्टेशन में, अगर आप सेटअप बनाना चाहते हो अपने स्टेशन के ऊपर ही ऐसा सेक्शन रख सकते हो जिसमें आप अपना टूल्स हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको प्लेस करो, उसमें ड्रॉअर आप रख सकते हो स्टेशन में। उसके साथ साथ आपने चेयर अपने क्लाइंट के लिए रखनी, कंफर्टेबल चेयर जो हमारी सलोन चेयर होती है, मेकअप चेयर आती है वो आप रख सकते हैं। उसके अलावा आप अपने साथ
एक फुटरेस्ट का भी अरेंजमेंट हमारे, वैसे तो जो सलोन चेयर होती है उनके साथ ही फुटरेस्ट ऑल टोटली कहा जाए तो आपने अपने क्लाइंट का कंफर्ट का पूरा अरेंजमेंट रखना है अगर आप अपना खुद का स्टूडियो बना रहे हो। कोई कमी नहीं छोड़नी, रिलैक्सेशन जितना क्लाइंट काम डाउन रहेगा उतना आपको अच्छे से काम करने देगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटीरियर का भी आपने ध्यान रखना है, ऑब्वियसली आप मेकअप से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, तो इंटीरियर का तो आप ध्यान रखोगे। तो जो भी आप इंटीरियर यूज कर रहे हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग यूज कीजिए, बेस्ट रहेगा किसी इंटीरियर डिजाइनर से आप आइडिया ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ अगर आप स्मॉल छोटा सेटअप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वहाँ पर डार्क कलर कम यूज कीजिए, जितना ब्राइटर कलर यूज कर देंगे, प्लेन व्हाइटिश रहने दीजिए, प्लेन कलर रहने दीजिए, वो ये आइडिया आप इंटीरियर से ले सकते हो। अदरवाइज आप एक सिंपल सा सेटअप भी बनाते हो तो उसमें ब्राइट कलर के साथ अपने स्टेशन को रेडी कर सकते हो और अपना स्टूडियो से रेडी कर सकते हो। फॉर फ्रीलांसिंग आप सबसे पहले रिंग लाइट कैरी करेंगे, मैं ये अभी भी आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप से हमारी रिंग लाइट्स अवेलेबल होती है मार्केट में और इसमें आप आराम से इजीली कूल या वार्म यानी कि अपना येलो एंड व्हाइट लाइट को बैलेंस कर सकते हो। एक्सटेंशन बोर्ड जो आपका प्लग लगाने के लिए, जैसे आप कोई भी गैजेट्स यूज करते हैं या रिंग लाइट भी चलाते हो तो प्लग पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर, वो रख सकते। वैनिटी बैग जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को कैरी करेंगे और इसमें भी आपको ऑप्शन आते हैं जैसे लाइट वाली वैनिटी, आपका उसमें मिरर लगी हुई वैनिटी, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। नेक्स्ट फोल्डिंग चेयर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है आप मेकअप चेयर जो हमारी फोल्डिंग आती है उन्हें कैरी करना चाहते हो तो कैरी कर सकते हो ताकि आपको क्लाइंट के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। अदरवाइज अगर आप क्लाइंट के प्लेस पे जा रहे हो प्री मतलब बुकिंग कर रहे हो तो आप उन्हें चेयर में डाइनिंग चेयर की रिक्वायरमेंट आप अपनी बुकिंग स्लिप में ही जहाँ पर डील क्लोज हो रही है आपकी वहाँ पर मैंशन कर सकते हो कि आपके प्लेस पर हमें क्वाइट रूम चाहिए एंड क्वाइट रूम के साथ साथ क्वाइट रूम में एसी होना चाहिए, डिस्टरबेंस ना हो ज्यादा और आपके पास डाइनिंग चेयर जो है क्लाइंट के लिए आपके पास होना चाहिए। आपके पास आता है टेबल, टेबल भी फोल्डिंग टेबल्स भी अवेलेबल होती है, अदरवाइज ये टेबल भी आप क्लाइंट को अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। तो कुछ चीजें जैसे आपके चेयर टेबल और ये रूम ये आप क्लाइंट को ही अरेंज करने के लिए बोलिए, बट आप अपनी लाइटिंग खुद से कैरी करके चलिए। एक्सटेंशन बोर्ड भी आप क्लाइंट को बोलना चाहते हैं तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। तो आप जितना क्लाइंट को कम इंटरप्ट करोगे क्लाइंट को उतना आप पे ट्रस्ट होगा कि आप कितने एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हो, इतनी सारी चीजें कैरी करके चल रहे हो। फ्रेग्रेंस भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, अगेन कैंडल्स आती है फ्रेग्रेंस वाली, उनको कवर करने के लिए उनके पॉट्स आते हैं, उनके अंदर आप उसे जला के रख सकते हो साइड में और प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ब्लूटूथ स्पीकर, अगेन हमारा जो हम स्टूडियो में मेंटेन कर रहे थे वीआईपी ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन, वो सेम हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचिए आप किसी के रूम में जा रहे हैं बुकिंग करने, उनके वेन्यू पे गए और आपने उनसे 5-10 मिनट का टाइम मांगा और आपने एक अच्छा सा सेटअप लगाया और सेटअप में आपने ये सारी चीजें फ्रेग्रेंस अपने ब्लूटूथ पर अच्छा सा म्यूजिक लगा दिया, रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा दिया एंड देन आप क्लाइंट को उसमें इनवाइट कर रहे हो तो उनको अच्छा सा फीलिंग आएगा कि आपने उनके लिए वेन्यू पे भी स्टूडियो वाला सेटअप क्रिएट कर दिया। तो ये सारा वो इम्पैक्ट होता है जो आपने क्लाइंट को काम डाउन या अपना प्रोफेशनलिज्म और एक्सपीरियंस दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि मेरे कोर्स को करने के बाद जब आप अपना परफॉर्मेंस मतलब काम करना स्टार्ट करोगे ना इन बातों का ध्यान रखते हुए तो किसी को भी ये नहीं लगेगा कि आपने अभी सीखा है, बस प्रैक्टिस करते रहना साथ में, सिर्फ इन्हें दिखाने से ही कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एनी स्मॉल डेकोरेटिव आइटम, ये आप अगर किसी वेन्यू पर जा रहे हो तो आपका मन है तो आप कोई छोटा सा फ्लावर पॉट या कोई भी डेकोरेशन आइटम अपने प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें आप अपनी किट में ऐड करेंगे, फ्रीलांसिंग किट में ऐड करेंगे तो आपके फ्रीलांसिंग किट और ज्यादा प्रीशियस बन जाएगी, प्रेजेंटेबल बन जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बता रही हूँ बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, 24 ईयर का एक्सपीरियंस है कि आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं बट आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, चीज़ें आपके पास कंप्लीट नहीं है तो आपके काम करने में आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। और जब आप कई बार क्लाइंट से इतनी सारी चीज़ें डिमांड करने लग जाए तो चाहे आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो क्लाइंट भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। तो कोशिश कीजिए अच्छे प्राइस चार्ज करने के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अपनी किट को इसी तरीके से रेडी कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे टूल्स, तो टूल्स में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी बट आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मैं उनका वर्थ भी बता रही हूँ, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मेनली प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि मैंने तो बोल दिया कि ये होना चाहिए बट आप वो रखोगे क्यों जब आपको पता हो कि वो कितना ज़रूरी है या उसका इंपॉर्टेंस। टूल्स में सबसे पहले आता है हमारा डिस्पोजेबल शीट, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डिस्पोजेबल शीट हमारा किसका काम करता है, ये बेड शीट्स होती हैं, मैं साथ साथ दिखा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर ऑफलाइन क्लास जैसा अरेंजमेंट किया हुआ है। ये हमारी डिस्पोजेबल बेड शीट्स होती हैं लाइक दिस, ठीक है।
ये काफी लंबी होती हैं। अब इसे जब आप कट करते हो तो इसमें से आपका 4 टॉवल साइज निकल जाते हैं, ये इतना बड़ा, ठीक है, प्रॉपर आपके जो बोर्ड है उसके जितना का है ये। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली जब आप इसको ऐसे 4 साइज टॉवल में कट करते हैं तो इसे आप अपने क्लाइंट के ड्रेस पे टक करने के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और उसके अलावा जब आप इसको कट कर देते हैं, और अगर आप लॉन्ग रखते हैं तो लॉन्ग में क्या होता है, जैसे आपके क्लाइंट ने गाउन पहना है या कोई ऐसा ड्रेस पहना है जिसमें गलती से भी कोई प्रोडक्ट गिर गया तो क्लाइंट पैनिक हो सकता है, तो आप ये पूरा का पूरा लॉन्ग गाउन उनके ड्रेस पे लगा सकते हो। मेकअप के नॉर्मल वाले हमारे गाउन होते हैं वो भी आते हैं, कई लोग ब्रांडिंग वाले गाउन प्रेफर करते हैं पर वो मुझे थोड़े से हाइजीनिक नहीं लगते, तो आप ये प्रेफर कर सकते हो कि आप अपने क्लाइंट को इस तरीके का ये जो हमारा लॉन्ग शीट है वो पहना दे। आप अपना कटिंग शीट भी यूज कर सकते हो, पर कटिंग शीट का भी एक माइनस पॉइंट है, वो नीचे तक कवर नहीं करता, तो ड्रेसेस जैसे लॉन्ग होते हैं तो लॉन्ग हमारा बेडशीट बहुत अच्छे से हमारे ड्रेस को कवर करता है। और मुझे ये मेरा जो मेकअप का परफॉर्मेंस है या स्टूडेंट्स को स्पेशली हम नए बिगिनर्स होते हैं कि वो गलती से इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस पे कोई मार्क ना डाल दें मेकअप प्रोडक्ट का, हबड़ तबड़ में मेकअप करते हैं एज बिगिनर थोड़ा सा, तो आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आप ये लॉन्ग बेडशीट अपने क्लाइंट के ड्रेस को कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक डिस्पोजेबल शीट आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आपने जो भी अपने प्रोडक्ट प्लेस करने हैं, टूल प्लेस करने हैं उनके सरफेस पे, सो आपका जो प्रेजेंटेशन है काफी हाइजीनिक लगेगा, आपने डायरेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट एंड टूल प्लेस नहीं करना। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक बाउल्स। तो प्लास्टिक बाउल्स क्या हेल्प करते हैं, जैसे एक प्लास्टिक बाउल्स में आपने कुछ भी अपना डिस्पोजेबल आइटम है टिश्यू वगैरह डाले और एक में आपने इस तरीके से अपने वेट आइटम ब्लेंडर वगैरह प्लेस कर दिए, तो ये आपको आपका हाइजीन और प्रेजेंटेशन रखने में मेंटेन करने में हेल्प करता है। वाटर स्प्रे मिस्ट बॉटल आपने लेनी है, बिल्कुल आपका ड्रॉपी नहीं होना चाहिए, मिस्ट आना चाहिए इसमें से, ये आपके जैसे अपने ब्लेंडर या मेकअप ब्रशेस को वेट करने के काम आते हैं। ब्रशेस को होल्ड करने के लिए वैसे तो मेरा ऑलरेडी होल्डिंग वाला ये ब्रश आता है और इसमें ये होल्डर मुझे एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसमें मैं क्या करती हूँ आई ब्रशेज अलग कर देती हूँ, फेस ब्रशेज अलग कर देती हूँ, बट आप चाहो तो अपने जैसे आई पेंसिल्स और काजल को प्लेस करने के लिए इस तरीके का होल्डर, पेन होल्डर अलग से यूज कर सकते हैं, इससे आपका काम करना कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए प्रेजेंटेशन के टाइम पे। सीजर्स में भी आईब्रोज के लिए स्पेशल सीजर, स्मॉल सीजर आपकी जैसे कुछ हार्ड चीज कट करने के लिए, और ये बिगर सीजर जैसे आपके कपड़ों के टैग्स वगैरह उसके कट करने के लिए, तो कम से कम 2 से 3 वेरिएशन आपके पास सीजर की होनी चाहिए। आईब्रोज प्लकर, जैसे आप आईब्रोज नहीं करते हो, आपको लगता है मेकअप आर्टिस्ट हो और आपको थ्रेडिंग नहीं आती, तो ऐसे ट्वीजर आप अपने पास रख सकते हो आईब्रोज के हेयर को रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करने के लिए। एंड इस टाइप के जो ट्वीजर है ये हमारे आते हैं स्पेशली हमारे आईलैशेस को पिक करके प्लेस करने के लिए, तो आप भी स्टाइल के लिए इस टाइप के टूल्स अपने किट में रख सकते हो। आईलैश कर्लर भी आप अपने किट में ऐड कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल होता है। डेक्स मिक्सिंग ट्रे एंड स्पैचुला पैलेट हाइजीन मेंटेन करने के लिए काम आता है आपका, और इसमें भी अपने क्वालिटी का ध्यान रखना है। मैं पैक का यूज करती हूँ क्योंकि इसका जो स्टील है वो स्टेनलेस स्टील है और इसका भी इफेक्ट आपके स्किन पर पड़ता है, तो आपने इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी की कोशिश कीजिए, अच्छे ब्रांड की रखिए। इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर आप अपनी किट में रखेंगे, ये हमारा सैटिन इफेक्ट वाला ब्यूटी ब्लेंडर मिलाग्रो ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ, और इसमें भी सिंथेटिक या रबड़ के जैसे लेटेक्स वाले आपके पास आते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो आपके हार्ड होते हैं, वो आपके मेकअप को अप्लाई करने के बजाय रिमूव कर देंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि ये भी अच्छी क्वालिटी में आपके पास होना चाहिए। इस तरीके के छोटे छोटे पाउडर पफ आप अपने किट में रख सकते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं जब भी आप आई मेकअप करते हो तो इस तरीके से वेयर करने के लिए। इस टाइप के पिज्जा शेप के पफ आपको हेल्प करते हैं अंडर आई एरिया पे काम करने के लिए या आईब्रोज के ऊपर से होल्ड करने के लिए, तो ये मैं डेमोज में आपको दिखाऊंगी। हैंड सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, चाहे आप ग्लव्स यूज कर रहे हो, मास्क यूज कर रहे हो या कहीं भी हाइजीन यूज करो, पर कई बार आपको क्लाइंट के सामने अपनी चीजों को सैनिटाइज करने के लिए ये यूज करना होता है, और जैसे आप अपने फेस को टच कर रहे हो, इचिंग कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप इस तरीके से अगर सैनिटाइजर यूज करके उनके फेस को टच करोगे तो उन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप कितना हाइजीन मेंटेन करते हुए उनका काम कर रहे हो। वेट एंड ड्राई टिश्यू आप दोनों रख सकते हो, वेट टिश्यू में आपके पास ऑप्शन है कि आप इस तरीके से हमारे फेशियल टिश्यूज आते हैं इनको आप वेट करके यूज कर सकते हैं, और आप ड्राई टिश्यू प्लेन वाले भी रख सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके किट में होना, इसका मैंने ऑप्शन आपको दे दिया है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ध्यान रखिएगा अच्छी क्वालिटी का माइल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अल्कोहल बेस्ड ड्राई टिश्यू तो आपने यूज़ नहीं करने हैं। मेकअप ब्रशेस आपके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या काम करेंगे, बट इनकी मैं डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो जाके देखिएगा, और अगर आप कहेंगे तो इसकी वीडियो मैं आपके लिए दोबारा से बना दूँगी। कॉटन बर्ड या क्यू टिप्स आप बोल सकते हैं इसको, मेकअप करेक्शन के लिए, रिमूविंग के लिए आपको हेल्प करते हैं, और ये भी आप अच्छी क्वालिटी का रखिए। अगर आपको थ्रेडिंग आती है तो आप थ्रेड रख सकते हो आईब्रोज को एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करने के लिए,
और अगर नहीं आती है तो आप इस तरीके से मार्केट में हमारे ट्रिमर्स अवेलेबल होते हैं, आप ये रख सकते हो अपनी किट में अपने एक्स्ट्रा फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, बिकॉज अगर आप हेयर रिमूव नहीं करते तो कई बार आपका मेकअप ग्रे या ऑक्सीडाइज लगता है। स्मॉल एंड बिग साइज और इससे भी छोटी साइज की आपके पास सेफ्टी पिंस आती है, गोल्डन कलर में भी आती है, तो आप वेरिएशन रख सकते हो अपने पास। और पिंस में भी आपने ध्यान रखना कि अच्छी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। इसमें भी आपका स्टेनलेस स्टील की जो पिंस आती है वही आपने रिकमेंड रखनी है अपने किट में, लोकल नहीं लेनी। शार्पनर हो गया आपका पेंसिल शार्पनर, पर इसमें भी आपने ध्यान रखना है जो आपकी मोटी वाली पेंसिल है वो और बारीक पेंसिल दोनों के लिए यूजफुल होना चाहिए। एक जो सिंगल शार्पनर है वो इनफ नहीं रहेगा आपके लिए। और जो हमारी मेकअप की पेंसिल्स को शार्प करने के लिए आते हैं वो आपके नॉर्मल शार्पनर से अलग होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने रेगुलर वाले शार्पनर से शार्प नहीं करना है। आई गार्ड के लिए यहाँ पर मेडिकल टिश्यू टेप मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इक्वल आई मेकअप नहीं कर पाते दोनों साइड में, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी और आगे भी मैं आपको इसका यूज़ समझाने वाली हूँ। ये स्किन के लिए सेफ होती है, यू नो कि हम लोग इसे मेडिकल में यूज़ करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है सेम ये टेप है, तो हमारी स्किन के लिए ये सेफ भी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिंदास यूज़ कीजिए। मेकअप फैन हमारे मेकअप को ड्राई करने के लिए, जैसे आप अपना फिक्सिंग स्प्रे लगाते हो उसको इंस्टेंट आपने ड्राई करना होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल टूल है। ये भी आप अपने डिस्पोजेबल फेस मास्क और आपका ग्लव्स भी आपने नाइट्रिल के ग्लव्स लेने हैं, ये हमारे लेटेक्स के ग्लव्स नहीं होते और ये सेफ होते हैं। आप 24 आवर्स भी इनको वेयर करते हो, जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वेयर करते हैं, तो आपके हाथ में कोई भी इससे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता और इससे आपका काम करना और ईजी और हाइजीनिक और प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो आपने देखा होगा मैं बहुत बार ये ग्लव पहन के यूज़ करती हूँ, मेकअप अप्लाई करती हूँ, तो मेरे कितने सारे टूल का काम भी मेरे फिंगर टिप ही कर देती हैं। हेयर बैंड में आप चाहो तो नॉर्मल वाले हेयर बैंड भी यूज़ कर सकते हो, बट अगेन हाइजीन मेंटेन करने के पर्पज से जो फेशियल के हमारे बैंड आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। और ये सॉफ्ट होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ हेयर को ही टक करना होता है, तो आपके लिए ये अच्छा होता है। अगर आप ये भी कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली चीज़ें जो आपको आपके काम को फिक्स करने में हेल्प करती है, जैसे आईज़ में किसी चीज़ से इरिटेशन हो गई तो आई ड्रॉप्स आपके पास होना चाहिए आपके क्लाइंट के आईज़ को रिलैक्स करने के लिए। आपके पास लेंस एप्लीकेशन के लिए इस टाइप का लेंस एप्लीकेटर होना चाहिए, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार आपको दिखाया है। इसमें आपका ये टूल आते हैं, इसमें छोटे छोटे, इसमें ये आपका एप्लीकेटर है और ये रिमूविंग के लिए, तो ये आप अपनी किट में रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फैब्रिक्विक, आपके क्लाइंट के ज्वेलरी का कुछ स्टोन निकल गया उसको फिक्स करने के लिए हो गया, ज्वेलरी वायर हो गई, आप ज्वेलरी वायर हो गई इस तरीके से क्या होता है क्लाइंट के साथ इमरजेंसी में, कई बार उनकी ज्वेलरी ब्रेक हो जाती है टूट जाती है, तो आपके पास इस तरीके के गैजेट्स रहते हैं, तो क्लाइंट इस चीज़ के लिए आपको बहुत रिगार्ड करता है कि आपके पास इमरजेंसी में वो चीज़ें थी जो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने फेस करा है कि क्या क्या चीज़ें मेरी किट में होनी चाहिए जो मेरे क्लाइंट के डे को स्पेशल बना दे और सेव करे किसी भी पैनिक सिचुएशन से। स्टेपलर कई बार बहुत काम आ जाता है, कई बार हमारा सुई धागा हमें काम आ जाता है, तो ये मैं अपनी किट में हमेशा रखती हूँ, जैसे किसी की ड्रेस लूज हो गई उसको फिक्स करने के लिए, कभी बहुत जल्दबाजी होती है तो फिक्स करने के लिए मैं स्टेपलर का भी यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपनी किट में रखते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने क्लाइंट के डे को स्पेशल बनाने के लिए। डबल टेप, जैसे आपके टीके को फिक्स करने के लिए तो आपने सुना ही होगा, बाकी आपके नेक, जैसे ब्रॉड नेक है, आपका ड्रेस लूज हो रहा है उसको फिक्स करने के लिए, ज्वेलरी का कोई पार्ट क्लाइंट को चुभ रहा है उसके नीचे आपने ये लगा दिया उसको फिक्स करने के लिए। उसके अलावा हमारे ये ग्लू ड्रॉप्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपके सारे डबल टेप का काम करता है, आपके ड्रेस को स्टिक रखता है आपकी बॉडी से, आपकी ज्वेलरी को स्टिक रखता है आपकी बॉडी से, ज्वेलरी का कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई पार्ट चुभ रहा है तो वहाँ पर आप ये लगा देंगे तो वो ज्वेलरी हिलेगी भी नहीं और वो पार्ट चुभेगा भी नहीं क्लाइंट को। आप लेंस बना रहे हैं तो लेंसेज तो आप रखेंगे, पर लेंसेज के साथ साथ आपने लेंस का जो क्लीनर है वो भी रखना है। आपको नहीं पता कि आपके क्लाइंट ने कितनी हैवी हैवी ज्वेलरीज पहनी है, हैवी ज्वेलरी पहनने के बाद उनके कान में क्या होता है, उनके कान के जो होल होता है वो दुखने लग जाता है, तो उस टाइम पे इस टाइप का नमिंग स्प्रे या क्रीम आपको हेल्प करती है उनके उस एरिया को काम डाउन करने के लिए, तो ये भी आप अपनी किट में रख सकते हैं। इस तरीके से नेल पेंट बॉक्स आप रख सकते हो, बिंदी बॉक्स आप अपने पास रख सकते हो, कलरफुल बिंदियाँ, कलरफुल नेल पेंट, इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं तो हमारे पास वेरिएशन होना चाहिए। इसी के अंदर मेरा नेल पेंट रिमूवर होता है, कॉटन होता है और नेल कटर और नेल फाइलर में रखती हूँ, एंड मोमेंट पे सम टाइम क्लाइंट का नेल टूट गया या उसे फिक्स करने के लिए शेप। इस तरीके का वैनिटी बैग आप अपने पास रख सकते हो, मैंने इसका प्रॉपर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को वैनिटी देती हूँ उसका प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी ये फ्रेश वैनिटी है, इसे फिक्स करना है मुझे और इसे बेसिकली हम ब्रश होल्डर सारे हैं, इसके अंदर पॉकेट्स भी। तो हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, आज की क्लास में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आप अपनी किट में ये सब चीजें ऐड करने वाले हो अगर आप ऑलरेडी आर्टिस्ट हो, और एज बिगनर तो आपको हेल्प मिलने ही वाली है कि इतनी सारी
किट के अंदर टूल्स कितना होना जरूरी है, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को सिखाती हूँ सेम टू सेम मैं आपको आने वाली जो क्लासेस है इसमें भी बहुत डीप नॉलेज मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। होप आप इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। जितने भी नोट्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखा देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे आपको और भी कन्वीनियंट। अदरवाइज जो मैं हिंदी में बोलती हूँ, जो भी टूल बताती हूँ, जो भी थ्योरी मैं आपको दे रही हूँ, उसके दौरान जो हिंदी में आपके सबटाइटल्स आते हैं उनके थ्रू भी आप अपने हिंदी नोट्स बना सकते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की डिटेल प्रोफेशनल इंटरनेशनल मेकअप की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर कमेंट जो हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो भी। आने वाली क्लासेस में भी बहुत कुछ यूजफुल होने वाला है, कनेक्टेड रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।